गुड मॉर्निंग। आज हम सभी जानेंगे एक ऐसा सीफूड जिसका नाम है क्रिल, जो हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आगे जानने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आखिर क्रिल कैसे पाया जाता है। अंटार्कटिक क्रिल एक छोटा झींगा जैसा प्राणी है जो प्राचीन अंटार्कटिक वाटर्स पारदर्शिता और ट्रस्ट एक्टिविटी में निष्ठा के साथ काम करता है। हम ओलंपिक सीफूड में इन शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। हमारे इको एकत्रित दृष्टिकोण के माध्यम से हम वाणिज्य प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी को मिलाते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ग्रिल को पकड़ना पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे और उद्योग पूरे जिम्मेदारी के साथ संचालित हो। एक सीओ एकत्रित दृष्टिकोण के साथ हम एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। हमारे संचालन को कसकर नियंत्रित किया जाता है और ऊंट द्वारा निगरानी की जाती है। हमारे पास इस तरह से हर समय एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक है। कमला को पता है कि ओलंपिक सीफूड कब और कहां। हम पूरी दुनिया में केवल दो क्रिल ऑल कंपनियों में से एक है जो अपने स्वयं के जहाज का संचालन करती है, कितना क्रिल जमा करती है। हम क्रिल की उत्पत्ति के पूर्ण नियंत्रण में है, जो कि जहाज है उल उसकी खुद की एक कक्षा में है। वह क्रिल आधुनिक और सुरक्षित युवल के लिए नवीनतम पोत लाइसेंस है जो हर्ष अंटार्कटिक के लिए बनाया गया है। मिशन और कम ऊर्जा के उपयोग और बोर्ड पर कम उत्सर्जन को प्रदर्शित करता है। यूएल आपको एक बहुत ही नवीन हत्या विधि है जो कुशल और सटीक है। वनिक खोज तकनीक का उपयोग उपयुक्त आकार के क्रिल स्वार्म्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि हम यह जान सके कि नेट्स को कहां और कितनी गहराई से डालना है। रेंगने का समय कम है, हमें केवल छोटी मात्रा में ग्रिल की जरूरत होती है और केवल तभी एकत्रित होती है जब हमने समुद्री निवास और उसके संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन के मित्र के साथ सहयोग करने के लिए चुना है। हर दूसरे साल हमारे इको संग्रह के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में हमारा पोत युबेल कई वैज्ञानिकों को पोस्ट करता है जो वेल्स के उदाहरण अध्ययन के लिए अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद।